मान नियमित अतिथि आदरणीय प्रधानाचार्य जी, वंदनीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरी तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम शिवांशु अग्रवाल है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। आज भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। आज का यह 15 अगस्त का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए सम्मान, अभिमान और उत्साह का दिन है। इसी दिन 1947 में हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ था। हर साल 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। जब लोगों ने ब्रिटिश शासन से हमारे देश की आज़ादी प्राप्त की, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाहौर गेट के पास लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और राष्ट्रगान गाकर बच्चे, छात्र, शिक्षक, माता पिता और अन्य व्यक्ति स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराते हैं। उसके बाद 21 तोपों से सलामी दी जाती है और एक हेलीकॉप्टर हमारे झंडे पर फूल बरसाता है। हमारे झंडे में रंग विभिन्न चीज़ों को प्रतिनिधित्व करते हैं। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सच्चाई और विश्वास का प्रतीक है। हर रंग विश्वास और शिष्टता का प्रतीक है। हमारे झंडे के केंद्र में एक नीले रंग का अशोक चक्र है, जिसमें 24 रूप से वितरित स्पाइक्स हैं। हम हमारे देश की आज़ादी पर महान क्रांतिकारियों और उनके बलिदानों को याद करते हैं। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू और अन्य साहसी स्वतंत्रता सेनानियों के आत्म बलिदानों को हम याद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।